फडणवीस साहेब त्यांच्याबरोबर आहे आणि माझी खात्री आहे की आम्ही हे करून दाखवू. आज हा पवित्र दिन आहे म्हणून मी काल बोलणार नाही, म्हणून रोज मी तुम्हाला सकाळ आणि संध्याकाळी मीटिंग देत असतो, त्याच्यामुळे काही स्टेटमेंट रोज काही लोक करत असतात, तर त्याची जी उत्तरं आहे ती मी तुम्हाला संध्याकाळच्या मीटिंगमध्ये देईन. आज मी हिंदीमध्ये सांगतो की जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो के बाद पहले मुख्यमंत्री थे यशवंतराव जी चव्हाण, वे टॉरिंग पर्सनैलिटी थे. जब चीन ने भारत पे हमला किया तो जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको बुलाया. भारत के सदर के काटने वाले रहते हैं वो बंजारा कम्युनिटी के रहते हैं, लेकिन बंजारा कम्युनिटी के एक सुपुत्र में उसका लाडला सुपुत्र जब महाराष्ट्र के गद्दी पे बैठता है तो उसकी अटैचमेंट भी उसी उसकी तरफ होती है कि बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं. और मुझे भी एक खुशी हुई कि हमने सिर्फ बोला नहीं, अगर उन्होंने जो उनके लिए उन्होंने माला चढ़ाई, उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उन्होंने जो स्पीच किया हम सब MLAs के सामने, उन्होंने बोला कि आज मुझे क्या निर्धार करना है, जो महाराष्ट्र आत्महत्याग्रस्त है और हम लोग आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र का निर्माण करें. ये होती है एक फार्मर की कहानी, ये होती है एक भूमिपुत्र की कहानी कि जो आगे चल के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है. और ये नया महाराष्ट्र बनाने के लिए शायद भगवान ने ये योजना की कि एक फार्मर का सन आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है. तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि आज वो यहाँ आ गए. मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पर फ्लडिंग हो गया है, तो हमारे साथ नहीं रुके, नहीं तो हमारे जो विरोधक है वो बोल दो पहले वो का और उसके जो दो तालुका का जो पंडित और काटी जब पैक हुआ दोनों जिलों के साथ, ये दोनों तहसील गोवा में आके हमारी एक अटैचमेंट है गोवा से, गोवा से हम लोग जुड़े हुए हैं. इसलिए हम लोग जब गोवा में आते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम अलग धरती पर आ गए. हम लोग आसाम में जो भी चीज़ें आज कही गई हैं आज के दिन में उन सब के जवाब में आज एक राहत का दिन है महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए. तो ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ के दुश्मन तक जाने के लिए जो मुंबई में फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का मीटिंग लेने के लिए हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो उनका अटेंड है. और इसका ये सबूत है कि हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आज वो मैनेजमेंट की मीटिंग लेने के लिए मुंबई जा रहे हैं. और एक मजबूत ऐसा संगठन हुआ है कि आज एक काम करने वाला मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हर कोने में जा सकता है और उनके साथ ऐसे डिप्टी जिन्होंने नहीं देखा कि मैं इस राज्य का CM था, मैं कैसे डिप्टी CM, जब पिछड़े वर्गों से एक मुख्यमंत्री आता है और उसका ये जन्मदिन है तो उनके लिए भी कुछ करके दिखाएंगे, ना कि सिर्फ बोलेंगे करके दिखाएंगे. और ये करने का ये दिन है, इसलिए मैं आपसे सबसे प्रार्थना ही कहूँ कि पॉलिटिक्स तो चलता रहे. लीडिंग महाराष्ट्र द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वॉज यशवंतराव जी चव्हाण, बट वेन देर वॉज अ वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया एंड इंडिया कुड नॉट फाइट चाइना बिकॉज द लैक ऑफ मशीनरी द लैक ऑफ एमिनेशन, देन अ पर्सन वॉज कॉल्ड वेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. But when our efficient chief minister was called to Delhi, people of Maharashtra used to tell that the Himalaya has called Sahyadri for attention. And then the people of Maharashtra were worried what will happen to others. And at that crucial moment, Yashwantrao ji Chavan was a great leader, was a great visionary. Longest continuous term as a chair.
chief minister was Vasantrao Naik, and Vasantrao Naik made a revolution for honorable CM who belongs to Satara region, who is the son of a farmer. While paying his tribute to Vasantrao Naik, what he would have done is the story of a farmer's son who declared here that he will make a suicide-free Maharashtra. You know, Maharashtra, a lot of farmers, they commit suicide. And nobody till this day has taken that as a mission. And this is mission for Maharashtra. And that is why we are fighting for this day, for Maharashtra, not for us. We had all the powers, we have six ministers who left their ministerial post and joined us in this battle for Maharashtra. And so, this is our battle for Maharashtra. It is our duty to see that they profit. May it be mechanization of agriculture, may it be increase in the productivity, may it be food processing industry. He is committed to that. And that's why I think that our battle was not for us. Six of the cabinet ministers, they left their job and joined us in this battle. And this battle is for betterment of Maharashtra. And we are proud that our CM, may he be an ordinary person, ordinary belonging to but his thoughts make him extraordinary. And that's why I feel that the true Shiv Sena of Baasaheb's dream have come into the power. An ordinary man who was Shiv Sena, who was risen from Shiv Sena, Shaka Pramukh in the lowest rank of Shiv Sena. It's a cadre-based pack of people who go to Pandharpur. They are called Varkaris. So he belongs to that area. He belongs to the sun. He is the son of the soil. And that's why today I appeal all of you. Politics should remain like that. But why politics? Why we do politics? It is for the common man, the betterment of a common person. And today, I will not answer any of the political questions. Let us limit this to the